आज हर व्यक्ति आरोग्य जीवन जीना चाहता है, वीर रक्षा करना चाहता है, आध्यात्म में प्रवेश करना चाहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, लेकिन जीवन के हर मोड़ पर प्रकृति के मूल्यों को नकारता रहा है। वह चाहता तो सब कुछ है, लेकिन जीवन के परम सत्य को नहीं पहचान पाता। अपने इस अमूल्य जीवन को न जाने कितने ही कार्यों में उलझाया रहता है, तो कैसे वह आरोग्य जीवन जी सकता है, वीर्य रक्षा कर सकता है और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे ही कर सकता है। जिन्हें वीर्य रक्षा करनी है और आरोग्य संपन्न तथा भाग्यवान बनना है, उन्हें प्रकृति के कुछ मूल्यों और नियमों को मानना होगा। व्यक्ति जो भी वीर्य रक्षा करना चाहता है, आरोग्य जीवन जीना चाहता है, उसे जल्दी सोने और जल्दी जागने का अभ्यास करना होगा, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। वह सारे जीवन यही सोचता रहेगा कि आखिर मैंने ऐसा किया क्यों नहीं, मैंने सारे जप तप प्रयत्न किए, लेकिन ना तो मैं आध्यात्मिक मार्ग पर सफल हो पाया और ना ही अपने गृहस्थ जीवन में भी सफल हो पाया। देखिए, हर व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसके जीवन का यह लक्ष्य होता है कि वह वीर्य रक्षा करे, क्योंकि वीर्य रक्षण से ही उसकी मूलाधार पर एकत्रित ऊर्जा ऊर्ध्वाधर गमन करती है। यह वीर्य रक्षण ही व्यक्ति को बल देता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसको इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब तक व्यक्ति अपनी इन पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तब तक उसके जीवन के सभी निर्णय व्यर्थ हैं। जीवन में वह कभी अपने निर्णयों पर खरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि वीर रक्षण से व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से मजबूत होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाता है। अतः उसे वीर रक्षण का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार बाल्यकाल नष्ट हो जाने से संपूर्ण जीवन दुखमय हो जाता है, वैसे ही प्रातःकाल नष्ट कर डालने से संपूर्ण दिन दुखमय बन जाता है। प्रातःकाल हो जाने पर भी जो पुरुष कुंभकर्ण के समान खटिया पर पड़ा रहता है, उसको खुद को अभागा ही समझना चाहिए। इतिहास और अनुभव हमें यह बताते हैं कि प्रातःकाल उठने वाला पुरुष ही चंगा और भाग्यवान हो सकता है। आजकल हमने प्रातःकाल में न उठने वाले किसी भी व्यक्ति को महापुरुष होते नहीं देखा है और ना ही सुना है। जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं, चाहे उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में सफलता पाई हो या आध्यात्मिक जीवन में, उसका प्रमुख कारण उनका प्रातःकाल उठना है। प्रातःकाल उठने की आदत से मनुष्य ऊर्जावान हो जाता है, उसके पास बहुत समय बचता है कि वह कुछ कर सके। यदि आप प्रकृति के नियमों पर ध्यान दें, तो आपको मालूम होगा कि प्रातःकाल में उठना ही संपूर्ण रस से भरा है। प्रातःकाल को अमृत वेला कहते हैं। सच कहें तो सृष्टि के इस प्रातःकालीन दिव्य अमृत को त्यागने वाला पुरुष जल्दी ही बूढ़ा और मृतक तुल्य हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि इसी अमृत का नित्य सेवन ब्रह्म मुहूर्त में करते थे, जिसके कारण ही वे समस्त जीवन चैतन्यमय बने रहे। रात भर के आराम के कारण प्रातःकाल में संपूर्ण शक्तियां अत्यंत तेज और बलिष्ठ रहती हैं। कठिन से कठिन काम भी आप उस समय सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम सर्वशक्तिशाली परमात्मा का ध्यान करते थे, जिससे कि परमात्मा की शक्ति उनमें प्रवेश करती थी और बड़े बड़े राजा भी उनके सामने सिर झुकाते थे। तो यदि आप भी ऊर्जावान होना चाहते हैं, कीर्तिवान होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु भी आपके सामने सिर झुकाएं, संसार में आपकी कीर्ति गूंजे, तो आपको भी प्रातः उठने का अभ्यास करना चाहिए। अंग्रेजी में भी एक कहावत बड़ी मशहूर है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। यानी प्रातः काल में उठने वाला मनुष्य आरोग्यवान, भाग्यवान और ज्ञानवान होता है। इस कथन का अक्षर अक्षर सत्य है। दोस्तों, देर से सोने वाला और देर से उठने वाला पुरुष कभी भी ब्रह्मचारी, विवेकी और भाग्यवान नहीं हो सकता। इसलिए जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तरह वीर्यवान, ज्ञानवान, सामर्थ्यवान बनना है, उन्हें रोज ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और सबसे पहले ईश्वर चिंतन करना चाहिए, उसके बाद ही योग अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि प्रातःकाल में जो कुछ भी चिंतन किया जाता है, मनुष्य वैसा ही दिन भर बना रहता है। यदि आप प्रातःकाल क्रोध करके उठो, तो दिन भर आप क्रोधी ही बने रहोगे। आपने यह देखा भी होगा कि जो लोग सुबह ड्यूटी पर जाते हैं और उन्होंने घर पर यदि लड़ाई कर ली है, तो उनका समस्त दिन ऑफिस में क्रोध में ही बीतता है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप घर से निकले, तो हंसते और मुस्कुराते हुए निकले, ना कि क्रोध करते हुए। क्रोध
न केवल आपकी मनः स्थिति को कमजोर करता है बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी छीन करता है, जिसके कारण आपका मन कार्य में नहीं लगता और आप इधर उधर की परेशानियों से घिर जाते हैं और उनसे बाहर निकलने की सोच सोच कर और चिंतामय होकर कुंठित हो जाते हैं। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, यदि आप अपने जीवन में ऊर्जावान होना चाहते हैं, वीर्यवान होना चाहते हैं, शक्ति से परिपूर्ण अपने आप को भर देना चाहते हैं, तो आप मेरी इन कुछ बातों को ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। कोशिश करना है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठते ही उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, फिर योग अभ्यास कर अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरा, जहाँ तक संभव हो सके आप खुली हवा में सोने का प्रयास करें, या ऐसा कमरा जो खुला हुआ हो और शुद्ध हवा वहाँ तक पहुँच पा रही हो। यदि आप ऐसे माहौल में सोते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप शहर से गांव की तरफ जाते हैं तो शहर में आप 8 बजे उठते थे, लेकिन गाँवों में आपकी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। 5 बजे तक लगभग हर व्यक्ति ही गाँव में उठ ही जाता है। इसका मुख्य कारण है वहाँ की शुद्ध और ताज़ी हवा, जो आपके शरीर को बहुत जल्दी रिलैक्स होने में मदद करती है। इसलिए आपकी नींद बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आप जल्दी उठ पाते हैं। तीसरी बात, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो आपको हर वक्त अकेले सोना चाहिए। इसी में आपका ब्रह्मचर्य सध सकेगा, अन्यथा आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। चौथी बात, यदि आपकी आदत है कि आप बिना ओढ़े सो नहीं सकते, तो आप जो भी कपड़ा या चद्दर ओढ़ते हैं वह स्वच्छ, साफ और हल्का होना चाहिए। हम लोगों की ऐसी आदत है कि हम नरम गरम बिछौने पर ही सोना पसंद करते हैं। इन नरम नरम बिछौनों से ही हमारी इंद्रियां क्षुब्ध हो जाती हैं, जिससे वे हमारे मन और तन को बिगाड़ती हैं और इसी के कारण ही व्यक्ति का स्वप्न दोष हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद लाभकारी माना गया है। यह कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। ब्रह्म काल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही अद्भुत तरीके से उल्लेख किया गया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त या ब्रह्म काल के समय उठते हैं तो इससे मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। आपका मन शांत और तन पवित्र हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना लाभकारी माना गया है। तो जब ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना लाभकारी है तो ये ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? तो आइए यह समझ लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। अगर आप प्रातः 4 बजे से 5:30 बजे के बीच उठ रहे हैं तो इसे ब्रह्मकाल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी परमात्मा का समय। अगर आप नित्य इसी समय उठते हैं तो इसे भगवान या परमात्मा का समय कहा गया है। यह वह समय है जहां रात का अंत और दिन की शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अंतिम पहर, यानी जब रात खत्म होती है और सुबह शुरू होती है, उस समय को ब्रह्मकाल माना गया है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो आपका दिन ऊर्जा से भर जाता है, साथ ही आपको अपने पूरे दिन के काम में सफलता हासिल होती है। यह समय साधना के लिए बहुत ही उचित समझा गया है। अगर आप रोज इस समय उठते हैं और नित्य इस काल में पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसका उचित फल प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत से अद्भुत फायदे हैं। कहते हैं इस मुहूर्त में ध्यान में बैठने से हम आत्मविश्लेषण कर पाते हैं। तो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, ध्यान साधना में निपुण होना चाहते हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और सबसे पहले प्रभु का ध्यान कर योग साधना का अभ्यास करना चाहिए।